नागरिक सुरक्षा कोर नवाबगढ़ प्रखंड कानपुर द्वारा उप नियंत्रण कश्मीर सिंह चीफ वार्डन के रोहित मल्होत्रा एवं प्रभारी चीफ वार्डन एस के वाजपेयी के नेतृत्व में बाढ़ एवं गंगा के पानी से घरेलू सामान कैसे बचाए के विषय में प्रशिक्षण एवं डेमो कराया गया। सहायक उप नियंत्रक विष्णु कुमार शर्मा एवं वरिष्ठ सहायक सुनील कुमार सिंह, प्रभारी सहायक उप नियंत्रक गुलाम नवी ने प्लास्टिक के डंडे, प्लास्टिक कैन तथा प्लास्टिक के बोतलों से आम जनता को बचाने के लिए उपाय और प्रयोग कर दिखाया गया। डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बाहर निकाला जाए तथा उसको कैजुअल्टी के रूप में कैसे वार्डन सुरक्षित स्थान पर ले जाए, इन सभी के उपाय बताए गए तथा प्रैक्टिकल कराए गए। डिविजनल वार्डन धनंजय नारायण सिंह एवं स्टाफ अधिकारी ददन मिश्रा ने बाढ़ से बचाव के सामग्री और वहां की व्यवस्था वार्डनों के द्वारा संगठनात्मक रूप संचालित किए गए। सर, आज माँ गंगा के सानिध्य में हमारे नाल स्वच्छता विभाग द्वारा आगामी बाढ़ की तैयारी के दृष्टिगत किस तरह से बाढ़ किनारे, गंगा किनारे जो लोग रहते हैं, जब बाढ़ आ जाती है तो बचाव के साधन तत्काल नहीं मिल पाते हैं, तो हमारे नाल स्वच्छता विभाग द्वारा किस तरह से घरेलू साधनों द्वारा, जैसे पानी की बोतल से या पीपों के माध्यम से फ्लोटिंग हट बना करके सिखाया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी जान माल की सुरक्षा कर सकता है और डूबने से अपनी जान बचा सकता है। इसी के तत्वाधान में माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारे नाल स्वच्छता विभाग प्रखंड के समस्त वार्डन, हमारे डिप्टी चीफ वार्डन वाजपेयी जी, धनंजय जी और हमारे क्षेत्र के पार्षद जी, सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आम जनमानस को बाढ़ के खतरों से दृष्टिगत सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दी जाए। सर, कानपुर से विशाल सैनिक, रिपोर्ट जेके न्यूज़।